अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई एम सिद्रा आतिफ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सिद्रा पेट गाइडलाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एडल्ट डॉग की डिवर्मिंग के लिए कौन सी टैबलेट जो हैं बेस्ट हैं और मार्केट में इनके प्राइजेस क्या हैं, और मैं जो हूँ अपने डॉग की डिवर्मिंग कब रिपीट करती हूँ तो मैं आपको इस बारे में आज गाइड करूँगी। डॉग की डिवर्मिंग तभी स्टार्ट हो जाती है जब वो 20 डेज का होता है, और फेनजोल सिरप उस एज में बहुत बेहतरीन रहता है। आप वो दीजिए जब तक वो 6 मंथ का नहीं हो जाता, हर मंथ उसकी डिवर्मिंग होगी। जब वो 6 मंथ की एज क्रॉस कर जाता है तो आपने हर 3 महीने के बाद उसकी डिवर्मिंग करनी है। उसके लिए ये टैबलेट्स आती हैं, ड्रोनटल, कैनिवर्म और प्रेफ्रॉन। तो आप ये मेडिसिन इन्हें दे सकते हैं। ये 10 kg के लिए टैबलेट होती है, और अगर मेरा टॉय डॉग है तो मैं उसे हाफ टैबलेट देती हूँ। तो आपने अपने डॉग का पहले वेट कर लेना है, उस हिसाब से आपने उसे टैबलेट देनी है। हर 3 महीने के बाद डॉग की डिवर्मिंग रिपीट होगी जब वो 6 मंथ को क्रॉस कर जाता है, और इसकी जितनी भी एज है आपने उसकी डिवर्मिंग करते रहना है टाइम से। कुछ लोगों से मैं सुनती हूँ कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में डिवर्मिंग की ही नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस है आपके पेट के लिए। अगर उनके पेट में वर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए तो उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए टाइम से अपने पेट की डिवर्मिंग ज़रूर कीजिए। इवन कि ये वर्म्स पेट से आपके अंदर भी ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है आप उनकी डिवर्मिंग करते रहें ताकि आपके अंदर ये वर्म्स जो हैं ट्रांसफ़र ना हो। अगर हो भी जाएँ तो आप अपनी डिवर्मिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको स्क्रीन पर मेडिसिन का नेम बता दूँगी। एवरमाइट की टैबलेट आपने 7 दिन इस्तेमाल करनी है। 6 mg की ये टैबलेट है। अगर आपका वेट 60 kg के अराउंड है तो आपने 7 दिन लगातार ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है। इससे आपके पेट के वॉर्म्स भी किल होंगे, और अगर आपके बॉडी में कोई इचिंग का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेट को डिवर्म की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि 3 मंथ से पहले ही आपके पेट में ऐसे साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि आपको डिवर्मिंग कर लेनी चाहिए। कई बार तो 2 मंथ्स के बाद आपके एडल्ट डॉग को डिवर्मिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आपको उसके पूप में वाइट कलर के वॉर्म्स नज़र आएँ, जो कि थ्रेड वॉर्म्स कहते हैं, पिन वॉर्म्स कहते हैं, अगर वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएँ तो आपने डिवर्मिंग टाइम पे कर लेनी है। उसके अलावा जो है आपका पेट अगर ज़मीन में अपने आप को घसीट रहा है और उसे पूप वाले एरिया में इचिंग होती है और वो ज़मीन में उसको घसीट रहा होता है, तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि उसको जो है वॉर्म्स हो गए हैं। क्योंकि जो फीमेल वॉर्म है वो एनस में आकर एग्स देती है, जिसकी वजह से इचिंग होती है। तो आपने अपने पेट की तब डिवर्मिंग कर लेनी है। इसके अलावा एपेटाइट प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या तो भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है या डॉग बहुत ही ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ साइंस हैं। अगर ये 3 मंथ से पहले आपको शो होना शुरू हो जाएँ तो आप अपने पेट की डिवर्मिंग जल्दी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉग डिवर्मिंग के प्राइजेस की। कैनिवर्म जो है आपको 400 की मिल जाएंगी। इसके अलावा ड्रोनटल 3 तरह की आ रही हैं, जिसमें 150, 250 और 350 तक की ड्रोनटल भी मौजूद हैं। आपने हमेशा जब भी डिवर्मिंग करनी है एक चेंज मेडिसिन से करनी है, दोबारा वही रिपीट नहीं करनी। हमेशा जब आप चेंज करेंगे तो मेडिसिन ज़्यादा असर करेगी। मैंने यहाँ ड्रोनटल प्लस की टैबलेट ली है। मेरे डॉग का वेट है 7 kg ऑलमोस्ट, तो मैंने हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा उसके लिए टैबलेट कट की है। बाकी अगर मेरा कोई डॉग 4 kg का है तो मैं हाफ उसको खिला दूँगी। तो अभी मैंने ड्रोनटल प्लस जो है हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ली, अब मैं इसे खिलाऊँगी। ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी शिज़ू है, और मैं इसको अभी टैबलेट इसके मुँह में देने लगी हूँ। वैसे मैं तो काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, अगर आप न्यू हैं तो आप इसका पाउडर बना के भी इसके मुँह में दे सकते हैं। लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखें कि खाली टैबलेट ही खिलानी है, आपने इसको किसी खाने में मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि डिवर्मिंग हमेशा खाली पेट की जाती है। अब बात करते हैं कि डिवर्मिंग का सही टाइम और तरीका क्या है। एक तो आपका जो पेट है वो हमेशा 1 या 2 घंटे से खाली पेट हो, तब आपने डिवर्मिंग करनी है। और डिवर्मिंग के बाद भी आपने एहतियात करनी है कि 2 घंटे तक वो खाना ना खाए। इसके अलावा आपने डिवर्मिंग को कभी किसी फूड में इसलिए मिक्स नहीं करना क्योंकि उससे वॉमिटिंग आ सकती है। ये हमेशा खाली पेट देनी चाहिए, और अगर आपने इसे किसी चीज़ में मिक्स करके दिया तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, और वो हो सकता है कि 3 दिन तक कुछ भी ना खाए पिए और बहुत ज़्यादा अपसेट रहे। अब जो टैबलेट आ रही हैं वो तबीयत को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देती, इसलिए उनको खाली पेट ही दें, और इसे किसी फूड में आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। डिवर्मिंग के बाद आपने हैपामर्स का सिरप लाजमी पिलाना है, क्योंकि डिवर्मिंग थोड़ा बहुत लीवर पर इफेक्ट करती है, इसलिए एहतियातन आप हैपामर्स का सिरप अपने पेट को ज़रूर पिलाएं। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिवर्मिंग सक्सेसफुल रही है। आपको उसके कुछ साइन शो होना शुरू हो जाएंगे। आपके जो पेट है उसकी कोट में एक अलग सी शाइन आपको नज़र आएगी। उसका हेयर फॉल अगर हो रहा था तो वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसको कोई स्किन प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आपके डॉग की तेज़ी से ग्रोथ होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के 5 मंथ के पपी ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि वो 1 ईयर के हों। इसका मेन रीज़न यही है कि इस पेट का ओनर उसका टाइम टू टाइम डिवर्मिंग कर रहा होता है, और इसलिए उसके डॉग का बोन स्ट्रक्चर बहुत हेल्दी बन रहा होता है, उसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रही होती है। अब हम बात करेंगे कि अगर डिवर्मिंग ना की जाए तो उसके नुकसान क्या हैं और वो किस तरह से आपके पेट के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे।
आपके पेट की कोट बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी अगर उसके पेट में वर्म्स हैं और आपने डिवर्मिंग नहीं की हुई, तो उसका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाएगा, ख़ासकर इसके एनस के आसपास जहाँ से वर्म्स अक्सर बाहर आके एग भी दे देते हैं, वहाँ से बाल उतरना शुरू हो जाएंगे और आपका जो डॉग है स्कॉटिंग करना स्टार्ट कर देगा, अपनी बम को ग्राउंड के ऊपर रब करेगा और इससे इचिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा आपके डॉग की स्किन पे आपको रैशेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे और डिफरेंट टाइप की स्किन एलर्जी शुरू हो जाएगी, जिसमें डर्माटाइटिस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारी है और ये इनके लिए जानलेवा साबित होती है और इसका इलाज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये क्रोनिक स्टेज पे पहुंच जाए तो डॉक्टरों के लिए भी इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है और इसलिए आपको अपने पेट की डिवर्मिंग लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह इनके स्किन में डिफरेंट तरह की एलर्जीज और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि पाकिस्तान में अब डर्माटाइटिस और मेन जैसी बीमारियों के लिए एक और डिवर्मिंग टैबलेट भी आ चुकी है। ये एक्सपेंसिव 10,000 की ये एक टैबलेट है, ब्रेवेक्टो नेम से मार्केट मेडल टाउन में अवेलेबल है और इसके रिजल्ट्स मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। मुझे लोगों ने इसकी पिक्चर सेंड की है जिनके डॉग बहुत ही बुरी तरह से उनकी स्किन सारी डैमेज हो चुकी थी डर्माटाइटिस और मेन से और वो रिकवर कर पाए हैं इस टैबलेट से। ये पैरासाइट डॉग में दो तरह के होते हैं, कुछ इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, कुछ इनके स्किन के ऊपर ग्रोथ करते हैं और ये ब्रेवेक्टो नेम से मेडिसिन मॉडर्टाउन बैंक स्क्वेयर मार्केट में पेट एम्पायर शॉप पर मौजूद है। 10,000 की प्राइस है, लेकिन डॉग 40 kg का अगर डॉग है तो उसके लिए एक टैबलेट यूज़ की जाती है और एक ही टैबलेट से उसको काफ़ी आराम आ जाता है, उसकी दोबारा से कोट आना शुरू हो जाती है, उसकी स्किन दोबारा से रिकवर हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि और कौन सी वजूहात हैं जिनसे पेट में वर्म्स बन सकते हैं। उनमें है फ्लीज, अगर आपके डॉग के स्किन में फ्लीज आ चुकी हैं तो उन्हें लिक करने से भी पेट में वर्म्स बनेंगे। ये डर्ट फ्लीज भी इन्हें कहते हैं और सैंड फ्ली भी कहते हैं, थोड़ी बिखरी सी और ब्लैक कलर के इसमें डॉट्स होते हैं और इसे लिक करने से भी आपके डॉग की बॉडी में वर्म्स बन सकते हैं। अब मैं कुछ आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिसे यूज़ करने से काफ़ी हद तक आप इनके पेट के कीड़ों को कम कर सकते हैं बढ़ने से, लेकिन डिवर्मिंग आपको फिर भी हर 3 महीने के बाद रिपीट करनी है, लेकिन ये होम रेमेडी से आपके डॉग के पेट में कीड़े बहुत ही कम बनेंगे। हल्दी का इस्तेमाल आप इनके फूड में ज़रूर किया करें, जब भी आप इनका कोई फूड मीट बॉईल करते हैं तो उसमें हल्दी ऐड कर लिया करें। एप्पल विनीगर आपने इनके पानी में 1 छोटा चम्मच ज़रूर शामिल करना है, इससे इनके बॉडी का पीएच लेवल डिक्रीज़ होता है और इनके स्किन में एलर्जीज, ख़ारिश और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं। इसके अलावा आपने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल, जो कि ऑर्गेनिक होना चाहिए, इनकी फ़ूड में लाजमी करना है। कोकोनट ऑयल के बहुत से फ़ायदे हैं और ये इनके लिए एक नेचुरल डिवर्मर है। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी वर्म्स के बारे में, ये किस टाइप के होते हैं और कॉमन वर्म्स कौन से हैं जो इनकी बॉडी में पाए जाते हैं और ये किस हद तक इनको नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले है राउंड वर्म, इनकी शेप जो है स्पैगेटी की तरह की होगी और ये 3 to 8 inches तक लंबे हो सकते हैं और बहुत ही तेज़ी से इंटेस्टाइन में ग्रोथ करते हैं। ये आपके डॉग को बहुत ज़्यादा लथार्जिक कर देते हैं और उनके इंटेस्टाइनल ट्रैक को ब्लॉक भी कर सकते हैं, जिससे इनकी डेथ भी हो सकती है। सेकेंड वर्म है टेप वर्म, जो कि 6 to 8 inches तक के होंगे और ये राइस के ग्रेन जैसी इसकी शेप होगी। ये कभी आपको इनकी पूप में भी नज़र आ सकते हैं। आपके डॉग को ये बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा रुक जाती है। थर्ड वर्म है हुक वर्म, जो कि 1 to 2 inches तक इसका साइज़ हो सकता है। इसकी शेप कुछ हुक टाइप की होगी। ये आपके पेट को वॉमटिंग और डायरिया लगा देता है, जिससे उसका बोन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसकी स्ट्रॉन्ग बोन्स भी वीक होने लग जाती हैं और उसे चलने में भी मुश्किल आ सकती है और ये वॉर्म इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडली साबित हो सकता है। थर्ड वॉर्म है विप वॉर्म, जो कि 2 to 3 inches तक इसका साइज़ हो सकता है। एंड में इसकी शेप थ्रेड की तरह बारीक होती है। ये भी आपके डॉग को डायरिया और वॉमटिंग जैसे कैफियत करके रखता है और आपके डॉग के पेट में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग और वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डेडली साबित हो सकता है आपके डॉग के लिए, इसलिए टाइम से उसकी डिवर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप बहुत सीरियस लीजिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल हर डॉग में है और लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। टाइम टू टाइम अपने पेट की डिवर्मिंग लाजमी करते रहिएगा। आपने अपने डॉग के डिवर्मिंग के लिए कभी भी ह्यूमन वाली मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, जैसे कि जेंटल है, वॉर्मोक्स हैं। ये आपके पेट के पेट के कीड़ों को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ये जस्ट 1 या 2 वॉर्म्स के लिए बनाई जाती हैं ह्यूमन के लिए। ये पेट के कीड़ों को मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी ठीक से डिवर्मिंग नहीं होती और वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहती। डिवर्मिंग हमेशा पेट की ही मेडिसिन से आपने करनी है, जिसमें है ड्रोनटल, प्रेफ्रॉन, कैनीवर्म के नाम से आपको पेट शॉप से मिल जाएंगी।
समटाइम किसी पेट की डिवर्मिंग सक्सेसफुल नहीं रहती। उसका रीज़न ये है कि उसका जो पेट ओनर है वो डिवर्मिंग करने में काफ़ी हद तक लेट हो चुका होता है और वॉर्म्स इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं पेट में कि उनका लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक बार डिवर्मिंग से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाफ किल होते हैं और हाफ पेट में ही रह जाते हैं। मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ जिससे आपके पेट की बहुत अच्छे से डिवर्मिंग होगी। और अगर आपका ये इशू आ रहा है कि डिवर्मिंग के बाद भी उसके साइन शो हो रहे हैं कि इसकी डिवर्मिंग होनी चाहिए, तो आपने 3 बार इसकी डिवर्मिंग करनी है। पहले तो फर्स्ट डे डिवर्मिंग करनी है, फिर 3rd डे पर डिवर्मिंग करनी है, फिर 7th डे पर डिवर्मिंग करनी है। फर्स्ट डे जब आप डिवर्मिंग करेंगे तो इन वॉर्म्स के एग जो होंगे वो आप डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाएंगे, और 3rd डे जब आप डिवर्मिंग करेंगे तो इन वॉर्म्स की एक मिडल एज आती है उसको डिस्ट्रॉय करने में आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद जब आप 7th डे पे डिवर्मिंग करेंगे तो ये वॉर्म्स तब तक एडल्ट हो चुके होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने में आप काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। पेट की डिवर्मिंग को लेकर अगर आपके जहन में कुछ भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई लाजमी करूँगी। और अपने पेट का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।